हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट हम समझाएंगे आपको कंसेप्ट, और साथ साथ सीएमए का जो इलस्ट्रेशन नंबर है, इलस्ट्रेशन हमारे पास है, ये इलस्ट्रेशन 46 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसको पहले कंसेप्ट को समझेंगे, फिर इलस्ट्रेशन हम 46 करेंगे। पूरे इलस्ट्रेशन 46 बहुत ईजी है। पहले हम आपको कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क, इसको बहुत अच्छे समझना है। तो इसको समझने के लिए हम आपको कंपेयर कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक बैंक के बारे में कंपेयर कर रहे हैं। एक पर्सन है मिस्टर, इनके पास रुपीज 10,000 रुपीज या 10 लाख से मान लीजिए, इनके पास 10 लाख है सरप्लस फॉर 1 ईयर, सरप्लस फॉर 1 ईयर। तो ये क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। तो इनके इन्वेस्टमेंट के आपके पास एक बैंक है यहाँ पे, और ये बैंक इनको 10% पर एनम 10% पर एनम पे डिपॉजिट करना चाहता है फॉर 1 ईयर। एक दूसरा बैंक आ जाता है, कहते हैं थोड़ा और अल्टरनेटिव में सोचे, यहाँ पे बैंक वन रख दीजिए, एक बैंक आपका ये आ जाता है, ये 11% पर एनम फॉर 3 मंथ के लिए यूज करता है। तो ये तो अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है ना, सेकंड बैंक आपका अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है। यहाँ 10% पर एनम है, यहाँ पे 11% पर एनम है, ठीक है। ये 3 मंथ के लिए है। अब 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के बाद वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, 9 मंथ के लिए। तो एक आपका, दूसरा आपका किसे जाता है कि हमने आपको कल डिस्कस किया था, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हम इस पे डिस्कस किया था, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ये जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट होता है, इसको कहते हैं एफआरए, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, दैट इज द एफआरए। तो ये एफआरए क्या होता है कि हम बैंक से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बैंक से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, बैंक हमें प्रोमिस करता है कि हम इतने दिनों के लिए इस रेट पे आज ही डिसाइड कर लेता है वो डिपॉजिट करने का। सपोज कीजिए कि हमारे पास 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट मान लीजिए 3 × 12, 3 × 12 एफआरए का मतलब क्या होता है, क्या होता है, लो अमाउंट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, अमाउंट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, डिपॉजिट अमाउंट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट आफ्ट और बोरोइंग, हम बोरोइंग भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी, जो भी केसेस बन सकता है, आफ्टर 3 मंथ फॉर द पीरियड ऑफ, हम क्या सकते हैं, 12 − 3, 12 − 3 कितना हो जाएगा आपको, 9 मंथ्स। तो आपका एक दूसरा बैंक आता है, वो कहता है कि मैं आपका पैसा आज से 3 महीने के बाद अगले 9 महीने के लिए डिपॉजिट करूंगा। तो कौन सा ऐसा रेट होगा जो फेयर प्राइस होगा, फेयर प्राइस, फेयर इंटरेस्ट रेट। फेयर इंटरेस्ट रेट का मतलब चाहे हम इसमें डिपॉजिट करें चाहे इसमें डिपॉजिट करें, दोनों इक्वल आ जाता है। तो व्हाट शुड बी द फेयर इन 3 मंथ, व्हाट शुड बी 3 × 12 एफआरए फॉर नो गेन एंड नो लॉस। अगर क्या आपको ये एफआरए हो, चाहे हम इस पे डिपॉजिट करें चाहे ये वाला डिपॉजिट करें, कोई गेन कोई लॉस नहीं होगा। वो हमको क्या निकालना होता है, सबसे पहले इंटरेस्ट आर्बिट्रेज के लिए, और फिर उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं क्या करना बेटर होगा, हमारे पास बोरिंग करने वाला बेटर होगा या इंटरेस्ट ले बोरिंग करने वाला बेटर होगा या डिपॉजिट करना बेटर, ठीक है ना। अब हमारे पास आ जाता है एक,
तो FRA का मतलब 3 month FRA, 3 into 9 FRA। अब 3 month आपका मान लीजिए यहाँ पर 3 months आफ्टर 3 month, आफ्टर 3 month फेयर इंटरेस्ट रेट निकालना है, मुझे फेयर इंटरेस्ट रेट निकालनी है। अब देखिएगा हमारे पास जो है अमाउंट, ये 1 year के लिए, 1 year के लिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%। यहाँ पे 3 month के लिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 11% है 3 month के लिए। अब आपको यहाँ पे 9 month के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, फेयर इंटरेस्ट रेट, वो निकालना जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, 1 + 0.10 एक साल का इंटरेस्ट रेट हो गया, फिर 1 + 0.11 / 12 into 3, 3 month का इंटरेस्ट रेट हो गया, फिर 1 + 0. यहाँ पे r / 12 into 9, ये हमें r निकालनी है, ये मुझे r निकालना है 9 महीना वाला। तो ये क्या होता है, और 1.10 यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.11 / 4, 1.0275 इक्वल टू 1 + r / यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। इसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे +1 इंटू 1.10, 1.07055। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 1.07055 -1, ये जो उधर जाकर -1 हो जाएगा, इंटू 4/3 -1 इंटू 0.75 डिवाइड 0.75 इंटू 4/3 9.4%, ये आपके पास आ गया 9.4%, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर इक्वल टू 9.4%। ये क्या शो करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यह रिप्रेजेंट करता है, देखिएगा एक अगर बैंक यहाँ पे है, यहाँ पे है 1%, सॉरी 1% यहाँ पे है, इसके पास दो अपॉर्चुनिटी है। एक क्या अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे एक बैंक 1 आया, इसमें आप एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट फॉर 1 year, यहाँ पे एक बैंक सेकेंड आया, बैंक सेकेंड इसका इंटरेस्ट रेट है आपका 11% पर एनम फॉर 3 month, तो फेयर फॉरवर्ड FRA 3 into 12 क्या होना चाहिए, 9.4% होना चाहिए। इसका मतलब कि आप डायरेक्ट इसको 10% पे इन्वेस्ट कर दीजिए, या 3 month के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए और 3 महीने के बाद यहाँ से पैसा निकालिए और यहाँ पे इन्वेस्ट करिए 9.4%। दोनों से आपका सेम आंसर आएगा, दोनों से आपका सेम आंसर आएगा। मान लीजिए इनके पास ₹10 लाख था, इनके पास ₹10 लाख था, तो इस 10 लाख को इन्होंने यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे 10% से, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट इनको मिलेगा 10% ऑफ ₹10 लाख, ₹10 लाख इनको इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख, इनको 11% से 3 महीने के लिए इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट फॉर 3 month,
एट द रेट ऑफ 11%, तो 10 लाख का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताइए। 10 लाख का 11/100, 3/12, ये कितना इंटरेस्ट हो जाएगा देखिएगा। 10 लाख इंटू 0.11 डिवाइड 4, यहाँ पे 27,500 होगा। अब आपका रिमेनिंग इंटरेस्ट यहाँ से कमानी है मुझे, रिमेनिंग इंटरेस्ट यहाँ से कमानी है। रिमेनिंग इंटरेस्ट आपको कितना होना चाहिए, रिमेनिंग इंटरेस्ट आपको यहाँ से कमानी है। तो भाई 1 लाख रुपया इंटरेस्ट आपको यहाँ से मिला था, इंटरेस्ट आपको यहाँ से मिला था। यहाँ पे आप डिपॉजिट करेंगे, यहाँ पे अगर डिपॉजिट करेंगे तो कितना पैसा आ जाएगा, 27,500। तो -1 लाख करेंगे तो कितना पैसा आएगा, यहाँ पे 72,500 मुझे यहाँ से कमाना है। अब सुनिए, मान लिया जाए कि आपने डायरेक्ट 1 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है, डायरेक्ट 1 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको कितना मिलेगा, 1 लाख रुपया मिलेगा। दूसरी अल्टरनेटिव क्या है कि आपने 3 मंथ के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट, यहाँ पे आपने डिपॉजिट कीजिए 3 मंथ के लिए, और 3 मंथ का बाद यहाँ पे जो अमाउंट मिलेगा वो ले जाकर यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, दोनों से आपको सेम आना चाहिए। तो 3 मंथ के बाद यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 लाख तो आपके पास प्रिंसिपल आपने ले आकर इन्वेस्ट किया था, और 27,500 आपको इंटरेस्ट मिला, तो 10 लाख 27,500 आपको टोटल अमाउंट हुआ जो आप यहाँ पे ले जाकर इन्वेस्ट करेंगे, जो आप यहाँ पे ले जाकर इन्वेस्ट करेंगे कितना, 10,27,500, 10,27,500। तो इसका इंटरेस्ट मुझे इतना आना चाहिए 9 मंथ में। तो आपको फेयर रेट क्या होना चाहिए, फेयर रेट क्या होना चाहिए, तो 72,500 होना चाहिए आपको 10,27,500 रुपया पे कितने दिनों में। तो ये आपका इंटरेस्ट आपको 9 मंथ में होना चाहिए, और 12 एक साल के लिए करेंगे तो इतना होगा, तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 72,500 डिवाइडेड बाय 10 लाख, 27,500 इंटू 12 डिवाइड 9 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी आपको 9.4% ही हो रहा है, 9.40%, यहाँ पे भी 9.40% पहले तरीका से हमने निकाला। तो हमने आपको क्या समझाया कि फेयर फ्यूचर प्राइस कैसे निकाला जाए, फेयर फॉरवर्ड रेट FFRA कैसे निकाला जाएगा, फेयर आपका FRA कैसे निकाला जाएगा, 9.4% FRA 3 इंटू 12 का ये निकालेंगे भाई साहब, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल FRA अगर अलग अलग हो तो क्या करेंगे, एक्चुअल FRA अलग अलग हो तो कैसे इंटरेस्ट हम आर्बिट्रेज कर सकते हैं। अब आपका इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, इंटरेस्ट आर्बिट्रेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल 3 × 9 FRA, 3 × 9 FRA होगा तो इंटरेस्ट की आर्बिट्रेज कैसे कर सकते हैं वो हमें पता करना पड़ा। इंटरेस्ट आर्बिट्रेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल 3 × 9 FRA। अब सुनिएगा प्लीज, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास फेयर 3 × 9 FRA हमारे पास क्या है, 9.40% है। तीन केसेस हो सकता है, तीन केसेस हो सकता है, देखिएगा भाई। एक केस एक बन सकता है 3 × 9 FRA
यहाँ पे 10% और 11% हो सकता है। 3 × 9 FRA, यहाँ पे 7% और 8% हो सकता है। 3 × 9 FRA आपको 9% और 10% हो सकता है। सुनिए, 9.4% है, एक इससे ज्यादा हो सकता है। 9.4% है, एक इससे कम हो सकता है। 9.4% एक इससे इसके मिडिल में हो सकता है, एक दोनों के बीच का हो सकता है। जैसे 9.4 एक से दोनों के बीच में है, 7 और 8 ये आपको इससे कम है दोनों रेट, और ये आपका इससे ज्यादा है, 9.4 से ये ज्यादा है। तो हम यहाँ पे आर्बिट्रेज पॉसिबल है, या आर्बिट्रेज पॉसिबल है यहाँ पे, आर्बिट्रेज पॉसिबल है यहाँ पे, नो आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटीज नहीं है, वो मैं आपको सिखाऊंगा इसमें, वो मैं आपको सिखाऊंगा इसमें, इसमें आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटी है कैसे, आप देखिएगा। ये दो सिचुएशन को देख के हम आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटीज को आपको समझाएंगे कैसे। अब सुनिए, ये 10 आपका डिपॉजिट रेट है, ये आपका बोरिंग रेट है, ये आपका डिपॉजिट का रेट है। अगर बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो इस रेट से, अगर आप बोरो करेंगे तो इस रेट से। ये आपका डिपॉजिट का रेट है, ये आपका बोरिंग का रेट है, बोरिंग का रेट है। अब सुनिए आप, यहाँ पे हमारे पास एक बैंक है, दो बैंक है, एक बैंक है हमारे पास ए, एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट रेट देने के लिए तैयार है, फर्स्ट बैंक 10% पर एनम, ठीक है। एक बैंक है हमारे पास बैंक सेकंड, सेकंड यहाँ पे एट द रेट ऑफ 11% पर एनम फॉर 3 मंथ, ये 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास थ्री, अब देखिए यहाँ पे हम अगर यहाँ से पैसा बोरो करते हैं, यहाँ से फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट बोरोड ₹10 लाख फ्रॉम बैंक सेकंड, बैंक फर्स्ट, बैंक फर्स्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर वन ईयर 1 लाख के लिए आप वहां से पैसा बोरो कर लीजिए, 1 लाख के लिए आप पैसा बोरो कर दीजिए फर्स्ट बैंक से। अब उस पैसे को लाकर आप यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर दीजिए 3 मंथ के लिए, यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर दीजिए 3 मंथ के लिए, ठीक है ना। तीन केसेस में आपको समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर दीजिए 3 मंथ के लिए, तो 3 मंथ के लिए डिपॉजिट करेंगे, लेकिन इसको तो पैसा वापस मुझे करनी है 1 साल के बाद, क्योंकि आपने 1 साल के लिए, 1 साल के लिए बैंक फर्स्ट फॉर वन ईयर के बाद वापस कर रही है। तो अब ये 3 महीने के लिए पैसा डिपॉजिट किया, 3 महीने का जो डिपॉजिट अमाउंट आएगा वो आप यहाँ पे जाइए और 3 × 9 FRA, 3 × 12 यहाँ पे 3 × 12 है, आज से 3 महीने के बाद अगले 9 महीने के लिए 3 × 12, 3 × 12 FRA यहाँ पे इंटर हुई है कि भाई मैं आज से 3 महीने के बाद आपके यहाँ पैसा डिपॉजिट करूंगा। और डिपॉजिट कितना करेंगे आप, कौन सी रेट से, 10% पे बोरो करेंगे, जबकि फेयर प्राइसेस तो इतनी है,
आपको इससे ज़्यादा है तो हम जाकर डिपॉजिट करेंगे। सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड डिपॉजिट रुपीज 10 लाख एट द रेट ऑफ 11% फॉर 3 मंथ इनटू सेकेंड बैंक। और थर्ड स्टेज क्या होगा, आपको इंटर इनटू 3 × 12 FRA फॉर डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 10% फॉर नाइन मंथ आफ्टर थ्री मंथ। अब देखिए इससे कितना फायदा होगा, इससे कितनी फायदा होगी। देखिए अब सर, आपने यहाँ से बोरो किया 10% पे 1 साल के लिए, तो स्टेप वन जो बोरो किया, स्टेप वन बोरोड किया तो पैसा आपको देना पड़ेगा। तो अमाउंट रिक्वायर्ड टू पेड, सबसे पहले कितना पे करें, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पेड आफ्टर थ्री मंथ्स अमाउंट रिक्वायर टू पे आप पे आफ्टर थ्री मंथ टू बैंक वन जिससे आपने लोन लिया हुआ है, तो कितना होगा, आपने 10 लाख रुपया लोन लिया था, 10 लाख रुपया लोन लिया था किस रेट पे, 10% पे 1 साल के लिए, तो 110,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, 11 लाख रुपया देना पड़ेगा आपको, 11 लाख रुपीज आपको देना पड़ेगा, ठीक है, 1 लाख रुपीज लोन हो जाएगा। अब आपको यहां से आपने सेकंड आपने लोन लिया यहां से, तो अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा आपको, 11 लाख पे करना पड़ेगा, अमाउंट पे करना पड़ेगा आपको ₹11 लाख। आपने क्या किया, 3 मंथ के लिए पैसा इसमें डिपॉजिट किया, तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेकेंड बैंक ड्यू टू डिपॉजिट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेकेंड बैंक ड्यू टू डिपॉजिट ₹10 लाख एट द रेट ऑफ 11% फॉर थ्री मंथ। अब 10 लाख रुपया आपने डिपॉजिट किया था, 11% से आपको इंटरेस्ट मिला 3 महीने के लिए, तो ये कितना हो जाए, 0.11 ÷ 4 + 1 × 10 लाख, ये हो जाएगा ₹10,27,500। ये आपके पास अमाउंट हो गया 10,27,500, ये अमाउंट आ गया 10,27,500, ठीक है ना बेटा, ये आपके पास अमाउंट आ गया 10,27,500। अब आपको थर्ड स्टेप में क्या होना चाहिए, स्टेप थ्री, अब जो ये पैसा आपके पास आएगा ये तो 3 महीने के बाद आपको मिल जाएगा, अब आपने 3 × 12 इंटर इंटू द 3 × 12 FRA जो 10% से है, जो 10% से है उसमें आप पैसा डिपॉजिट करेंगे, ये वाला अमाउंट 9 महीने के लिए आपने यहाँ पे इंटर किया हुआ है, यहाँ पे इंटर किया हुआ है 10% 11, ये वाला केस फर्स्ट में चल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने जब इंटर किया हुआ है तो आपको यहाँ पे 9 मंथ के लिए डिपॉजिट करेंगे, ठीक है ना, तो अमाउंट रिसीव्ड ड्यू
ड्यू टू डिपॉजिट रुपीज 10 लाख, कितना पैसा आया था? 10,27,500 फॉर 9 मंथ, 9 मंथ, रुपीज 10,27,500, 10% से आपने डिपॉजिट किया, आपने इसको कहते हैं फॉरवर्ड से एफआरए सेल। जब एफआरए सेल करते हैं तो हम डिपॉजिट करते हैं, एफआरए बाई करते हैं तो हम बोरोइंग करते हैं, बाई का मतलब बोरोइंग। कितना आ जाएगा पस अमाउंट? 0.10 डिवाइड 12 इंटू 9 प्लस 0.10 डिवाइड 12 इंटू 9 प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा 11,04,562. अब देखिएगा, ये आपको मिलेगा 11,04,562, ये आपको मिलेगा। आपको पेमेंट कितना करनी है जो फर्स्ट में आपने निकाला, आपको अमाउंट रिक्वायर टू पे, यहाँ पे आपको 11 लाख पे करना पड़ेगा फर्स्ट केस में, 11 लाख पे करना पड़ेगा और ये आपको मिलेगा। तो आर्बिट्रेज गेन कितना हो जाएगा यहाँ पे? आर्बिट्रेज गेन आपको कितना हो जाएगा? रुपीज 11,04,562 आपको पे करना पड़ेगा, रुपीज 10 लाख आपको रिसीव होगा, ये रुपीज आपको मिल जाएगा 4,562, ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा 4,562 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यही आपका आर्बिट्रेज गेन हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैंने क्या कहा, इसको बात को समझिए। आप सबसे पहले ये वाला चीजें निकालिए, ये वाली चीजें निकालिए, फेयर एफआरए होना क्या चाहिए दो इंटरेस्ट के बीच में, उसके बाद यदि हाई हो, उसके बाद यदि हाई इंटरेस्ट हो तो उसमें जाकर डिपॉजिट करो, वहां पे रेट जाकर डिपॉजिट करो। हमने क्या किया, हमने यहां से पैसा लोन लिया, इस पैसे का, पैसे को पहले 3 महीने के लिए यहां पे डिपॉजिट किया और यहां से पैसा निकाल कर यहां पे डिपॉजिट किया, आर्बिट्रेज हो गया, फायदा हो गया। अगर एफआरए से अगर यहां का डिपॉजिट रेट ज्यादा है तो हम डिपॉजिट करते हैं। सुनिए अब केस सेकंड, यहां पे अब केस सेकंड आ जाता है, केस सेकंड, और ये केस थर्ड हो जाएगा। अब हम केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड में हमारे पास क्या है, केस सेकंड अब आइए, केस सेकंड फेयर सही होना चाहिए, फेयर 3 × 12 एफआरए 9.40%, एक्चुअल 3 × 12 एफआरए इससे कम कितना परसेंट है? 7% और 9%, 7% और 8%। इसका मतलब अगर आप यहाँ डिपॉजिट करोगे तो बैंक आपको 7% देगा, अगर बोरो करोगे तो बैंक आपको 8% ले, तो सेल करोगे, सेल का मतलब डिपॉजिट होता है तो आप 7%, बाई करोगे तो आप बोरोइंग करोगे, दैट इक्वल 8%। जबकि एफआरए ये है, आपके पास दो बैंक है, इनके पास कितना पैसा है, इनके पास रुपीज 10 लाख है एक साल के लिए सरप्लस, 10 लाख है एक साल के लिए सरप्लस, और यहाँ पे बैंक ये कह रहा है, बैंक फर्स्ट जो कह रहा है कि एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर वन ईयर, फॉर वन ईयर,
अब बैंक सेकंड जो कर रहा है इनको, बैंक सेकंड जो कर रहा है एट द रेट ऑफ 11% पर एनम फॉर 3 मंथ, फॉर 3 मंथ। इसके बीच में मुझे आर्बिट्रेज कमानी है, इसके बीच में मुझे आर्बिट्रेज कमानी है। अब देखिएगा यहाँ पे एफआर से फेयर एफआरए है, यहाँ पे एक्चुअल एफआरए है, यहाँ पे फेयर एफआरए है, यहाँ पे एक्चुअल एफआरए है। तो ये लो है, ये क्या है, यहाँ पे लो है, लो है यहाँ पे, ये हमारे पास लो है, ये बात को समझिए, लो है। जब ये लो है, जब ये लो है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाई करेंगे, हम यहाँ पे बाई करेंगे। तो भाई का मतलब सेल करते हैं, जब हाई होता है तो सेल करते हैं, लो होता है तो बाई करते हैं। बाई का मतलब हम यहाँ से लोन लेंगे, लोन टेकन, लोन टेकन एट द रेट ऑफ 8%, एट द रेट ऑफ 8% हम इंटर करेंगे एक्चुअल एफआरए में। हाँ भाई आपसे लोन लेंगे आज से 3 महीने के बाद, आज से 3 महीने के बाद। कितने दिनों के लिए लोन लेंगे हम 9 महीने के लिए लोन लेंगे, लो है तो बाय करेंगे। अब उस पैसे को हम लोन लेंगे आज से 3 महीने के बाद। तो सब स्टेप, स्टेप वन क्या हो जाएगा आपको, स्टेप वन इंटर इनटू 3 मंथ एफआरए, सॉरी इंटर इनटू 3 × 12 एफआरए, 3 × 12 एफआरए। जब बाई 3 × 12 इंटर इनटू बाई दैट इज बोरोइंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 9 मंथ, फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स, फॉर 9 मंथ्स, फॉर 9 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स। अब कितना पैसा, अब कितना पैसा है? यहां का जो अमाउंट होगा उतना पैसा ये हम इंटर करेंगे। सेकंड में हम क्या करेंगे, बोरोड रुपीज 10 लाख फ्रॉम सेकंड बैंक एट द रेट ऑफ 11%। कौन सी रेट से हम बोरो करेंगे, 11% से बोरो करेंगे फॉर 3 मंथ। तीसरा केस क्या होगा, डिपॉजिट रुपीज 10 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 1 ईयर। कौन सी बैंक में, बैंक फर्स्ट में, बैंक फर्स्ट में। सुनिए मैंने क्या कहा, हम यहां पे 10 लाख रुपया यहां से बोरो करेंगे 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। आ ये पैसा हम ले जाकर यहाँ पे डिपॉजिट करा देंगे, लेकिन इनको तो 3 मंथ के बाद नहीं, 3 मंथ के लिए ही है, तो इनको क्या करेंगे हम, पैसा देना पड़ेगा 3 महीने के बाद। अब वो पैसा जो देना पड़ेगा वो यहाँ से बोरो कर लेंगे, आप इंटर करेंगे इंटर इंटू 3 × 12 एफआरए बाइंग जैसे बोरोइंग एट द रेट ऑफ 8%, क्योंकि यहाँ पे 8% पे है फॉर 9 मंथ, 9 महीना के लिए। और ये पैसा यहाँ पे चुकता कर देंगे। अब इनको कितना पैसा देना पड़ेगा वो मुझे निकालना पड़ेगा, यहाँ से पैसा कितना देना पड़ेगा वो मुझे निकालना पड़ेगा, और उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारे लिए गेन हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे मैं स्टेप वन करता हूँ, स्टेप वन अमाउंट रिसीव्ड ड्यू टू इन्वेस्टमेंट रुपीज 10 लाख इनटू बैंक वन, अमाउंट रिसीव्ड ड्यू टू इन्वेस्टमेंट रुपीज 10 लाख इनटू बैंक वन
अमाउंट रिसीव्ड ड्यू टू इन्वेस्टमेंट रुपीज 10 लाख इंटू बैंक वन, बैंक वन में, ठीक है ना बेटा, ड्यू टू इन्वेस्टमेंट बैंक वन फॉर वन ईयर, फॉर वन ईयर। अब सुनिए, हमने 10 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% पर एनम हमने 10 लाख रुपया लोन लिया बैंक सेकेंड से, 10% पे हमने इन्वेस्ट किया, तो एक साल के बाद हमारे पास 11 लाख रुपया मिल जाएगा, ठीक है, 11 लाख रुपीज मिल जाएगा। स्टेप सेकेंड में अब देखेंगे कि भाई हमारे पास जो पैसा जहां से लिया उसको कितना देना पड़ेगा। अब सुनिए, हमने इस बैंक से लोन लिया 3 महीने के लिए, वो पैसा सेकेंड बैंक से लोन लिया 3 महीने के लिए, हमने वो पैसा यहां पे डिपॉजिट कर दिया, वो पैसा हमने यहां पे ले जाके डिपॉजिट कर दिया, वो पैसा हमने यहां पे ले जाकर डिपॉजिट कर दिया एक साल के लिए, वन ईयर के लिए, तो ये जो पैसा यहां पे ले जाके डिपॉजिट किया वो कितना मिला, तो इतना मिला, लेकिन इनको देना पड़ेगा 3 महीने के बाद, लेकिन एक साल के बाद यहां से पैसा मिलेगा, वन ईयर के बाद यहां से पैसा मिलेगा, वन ईयर के बाद पैसा मिलेगा, यहां से वन ईयर के बाद में पैसा मिलेगा एक, लेकिन इनको 3 महीने के बाद देना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, यहां से पैसा बोरो करेगा FRA से, अब वो पैसा यहां पे डिपॉजिट कराएगा, फिर लास्ट में 9 महीने के बाद इनको पैसा देना पड़ेगा। अब देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे आफ्टर 3 मंथ टू बैंक फर्स्ट सेकंड सेकंड बैंक, तो हमने 10 लाख रुपया लोन लिया था, 11% पे आपको 3 महीने के लिए, तो कितना पैसा देना पड़ेगा, देखिए 0.11 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 10 लाख, ये हो जाएगा 10 लाख 27,500, ये हो जाएगा 10,27,500, ये टोटल पैसा हमारे पास हो गया 10,27,500 देना पड़ेगा। ये पैसा मैं कहां से लूंगा, देखिएगा, ये जो पैसा मैं 10,27,500 जो हुआ, 10,27,500 जो हुआ, हम यहां से बोरो करेंगे इंटर इनटू द फॉरवर्ड रेट, लिखिएगा, ठीक है। अब स्टेप आपका 3, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे आफ्टर 9 मंथ व्हिच इज टेकन लोन लोन फ्रॉम 3 × 12 FRA एट द रेट ऑफ 8%, तो हमने उनसे लोन लेंगे 10,27,500, 8% पे लोन लेंगे 12 महीने के लिए, 9 मंथ के लिए, तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा, यहां पे देखिए 0.08 डिवाइड 12 इंटू 9 प्लस 1 1.06 इंटू 10,27,500 हमें हो गया रुपीज 10,89,150 इनको देना पड़ेगा मुझे 10 लाख। अब सुनिए, यहां पे बैंक वन है, हमने यहां से लोन लिया रुपीज 10 लाख,
10 लाख यहाँ पे डिपॉजिट कराया तो यहाँ से मुझे मिला कितना, 11 लाख रुपया मिला। हमने बैंक सेकंड है, बैंक सेकंड से हमने लोन लिया ₹10 लाख लोन लिया और ये पैसा हमने यहाँ पे जाके डिपॉजिट कराया तो 11 लाख मिला। तो इनको पेमेंट कितना करनी है, 10,27,500। फिर ये पैसा मैंने कहाँ से लिया, ये 3×12 FRA@8% पे लोन लिया, कितना ₹10,27,500। ठीक है, और ये पैसा लेके मैंने 8% पे अमाउंट कितना देना पड़ा इनको, अमाउंट आफ्टर नेक्स्ट 9 मंथ, 9 मंथ के बाद हमारे पास अमाउंट देना पड़ा 10,89,150। अब सुनिए, फाइनली आपको इतना पैसा देना पड़ा, ये आपने रिसीव किया तो आर्बिट्रेज गेन हो जाएगा यहाँ पे, आर्बिट्रेज गेन। आपको पैसा मिला 11 लाख, आपने पेमेंट किया 10,89,150, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको आर्बिट्रेज गेन हो जाएगा 10,850। ये आपकी आर्बिट्रेज गेन हो जाएगी, ये आपकी आर्बिट्रेज गेन हो जाएगा 10,850 आपका आर्बिट्रेज गेन हो जाएगा। तो यहाँ पे दो केसेस मैंने डिस्कस कर लिया, ये वाला केस में मैंने क्या किया, बोरोड एट 11% फॉर 3 मंथ बाई 3×12 FRA@8% डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 1 ईयर। यहां पर ये हो, अब सुनिए, ये 9.40 है, अगर 3×12 FRA हाई है तो यहां पे सेल करते हैं, हाई है तो सेल का मतलब यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट। अगर ये 9.4 है और 3×12 FRA लो है तो यहाँ पे बाई करते हैं, बाई का मतलब डिपॉजिट। अगर मान लीजिए ये वाला जो FRA है, अगर 3×12 FRA, अगर ये वाला फेयर FRA 3×10 के बीच में है तो नो आर्बिट्रेज, कोई आर्बिट्रेज नहीं होता। ठीक है ना बेटा, तो ये बात आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। तो आर्बिट्रेज के लिए 3 स्टेप है, सबसे पहला स्टेप फाइंड फेयर FRA एज पर इंटरेस्ट रेट गिवन बाय टू बैंक, एज पर इंटरेस्ट रेट गिवन बाय टू बैंक, दो बैंक से जो इंटरेस्ट दिया उसके बेसिस पे। अब क्या करेंगे, एक्चुअल FRA देखेंगे, अगर मान लीजिए हाई है तो सेल करेंगे, सेल का मतलब हम डिपॉजिट करेंगे, लो है तो बाई करेंगे, बाई का मतलब, सेल का मतलब हमारे पास होता है डिपॉजिट, बाई का मतलब बोरोड करेंगे, सिंपल सा आर्बिट्रेज। अगर मान लीजिए बिटवीन है
तो नो आर्बिट्रेज, नो आर्बिट्रेज बिटवीन है तो कोई आर्बिट्रेज नहीं, ठीक है बेटा। तो ये आपका दो केसेस है। अब आपका ये क्वेश्चन है जो आपकी सीएमए स्टडी मटेरियल का है, ये क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर लेना बेटा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। अब कोई डाउट होगा तो आप मुझे इस नंबर पे 8920730907 पे कॉल कर सकते हैं या मेरी व्हाट्सअप कर सकते हैं 9312606737 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है जो सीएमए स्टडी मटेरियल का है, ऑन जनवरी 25 यूरोपियन बैंक वांट्स 100 मिलियन यूएसए डॉलर 100 मिलियन फॉर 6 मंथ डिपॉजिट। ये 6 मंथ के लिए पैसा चाहता है डिपॉजिट करना, हाउएवर इट इज ऑफर्ड दिस फॉर 9 मंथ, क्योंकि 9 मंथ के लिए डिपॉजिट किया जा रहा है एट द बिड रेट, एट द करेंट मार्केट द अदर रेट्स आर गिवन दिस। Should the bank 9 month deposit explain why, what is the conclusion of payoff? क्या 9 month के लिए deposit करना चाहिए? अब सुनिएगा, ये बैंक चाहता है कि मुझे आपको 6 month के लिए कोई मुझसे deposit कराए, और कितना पैसा deposit कराए? डॉलर 100 million। ये कौन से पीरियड के लिए? तो 6 month के लिए। तो 6 मंथ के लिए यहाँ पे बीड है, मैंने ये आपको डिपॉजिट, आप डिपॉजिट कराएंगे तो उसका रेट है, ये रेट है 10.10। 9th मंथ के लिए आपका जो रेट है ये, लेकिन आपने जो डिपॉजिट कराया वो आपको 100 मिलियन डॉलर को ही डिपॉजिट कराया, अब वो डिपॉजिट कराया 9 मंथ के लिए, यहां पे एट द रेट ऑफ कौन सा मिला 10.4375%, यहां पे एट द रेट ऑफ 10.5625%। अब आप तो 6 मंथ के लिए चाहते हैं, तो 6 मंथ के लिए चाहते हैं तो यहां पे आफ्टर 6 मंथ 3 मंथ का एफआरए दिया हुआ है, तो आपको सरप्लस पैसा हो गया 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए सरप्लस पैसा हुआ, तो इस सरप्लस पैसे को आप क्या कर देंगे यहाँ पे एफआरए 10.48% पे डिपॉजिट करा देंगे। तो अगर एक्सेस हो रहा है तो भाई हम पहले 6 महीने के लिए इस रेट पे, फिर 3 महीने के लिए इस रेट पे, अगर इसे एक्सेस हो रहा है तो हमारे लिए आर्बिट्रेज है, नहीं एक्सेस है तो आर्बिट्रेज नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अमाउंट आफ्टर 9 मंथ डॉलर 100 मिलियन 1+0.105625 डिवाइडेड बाई 12 × 9, क्योंकि 9 महीना का रेट ये है, 9 महीना का रेट ये है, तो कितना हो जाएगा आप बताइए, 0.105625 ÷ 12 × 9+1 × 100, तो कितना हो जाएगा 107.92। अब बात को समझिए आप, ये आपको 9 मंथ के लिए पैसा हो गया 107.9। अब ये आपको क्या 6 मंथ यहाँ, इसको दूसरे तरीके से देखिए, 6 मंथ यहाँ पे और 3 मंथ यहाँ पे डिपॉजिट कराते हैं तो क्या हो जाता है, अब देखिएगा, अमाउंट आफ्टर रिसीव्ड फॉर 6 मंथ डिपॉजिट, 6 मंथ डिपॉजिट, तो आपको कितना डॉलर 100 मिलियन 1+ क्या रेट है 6 मंथ का, तो 10.4375% 0.10 4375 4375
75 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 6, ये पैसा कितना आ जाएगा? पॉइंट 104375 डिवाइडेड 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 100 105.2187 मिलियन, ठीक है ना, 105.287 मिलियन। अब ये अमाउंट आपको 6 मंथ के बाद, अमाउंट फॉर नेक्स्ट थ्री मंथ के लिए कितना पैसा मिलेगा जो आप यहाँ पे डिपॉजिट कराएंगे? नेक्स्ट थ्री मंथ आपका 6 × 9, 6 महीने के बाद अगले 3 महीने के लिए FRA इंटर दिया हुआ है, डिपॉजिट कराने का रेट क्या दिया हुआ है? एट द रेट ऑफ 10.48%। तो आप 10.48% पर डिपॉजिट कराओगे तो डॉलर 105.2187 1 + 0.48 डिवाइडेड बाय 12 × 3, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा आपके पास? 0.1048 डिवाइडेड बाय 12 × 3 + 1 × 107.975974, इतना मिलियन आपके पास आ जाएगा। तो एक तो ये है कि 6 मंथ के लिए पहले डिपॉजिट कराइए और फिर 3 मंथ FRA पे डिपॉजिट कराइए, तो इससे आपको ये पैसा आ रहा है आप, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट 9 मंथ के लिए डिपॉजिट कराते हैं तो ये पैसा आता है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? गेन आपको कितना होना चाहिए? डॉलर 107.9754 माइनस डॉलर 107. ये कितना आ गया आपके पास? 92 माइनस 107.92 डॉलर 0.05548 मिलियन, ये आपको गेन हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या अगर मान लीजिए 6 मंथ के लिए आप डिपॉजिट कराते हैं, अगला आपको 9 मंथ के लिए डिपॉजिट करने के लिए तैयार है, तो क्या आपके लिए बेटर है? तो हाँ जी बेटर है, क्योंकि यहाँ पे गेन हो रही है, यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, कंसेप्ट को कंप्लीट किया। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बेस्ट आपको क्वेश्चंस नहीं आ सकता, बने कंसेप्ट नहीं हो सकता है, और इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज़्यादा आपको टफ क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ सकता। ओके, थैंक यू क्लास।